गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को आपका 5 चैप्टर संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। मैंने आपको 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, आप लोग उसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले संज्ञा कहते किसको है, क्या होता है संज्ञा, तो मैंने यहाँ पे एक स्टोरी या एक वाक्य लिखा है। जैसे कि हरि गीत गाता है, रोहन स्कूल जा रहा है, लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, मैं खाने में समोसे खाई। नंबर 5, मेरी गाड़ी मेरी नई कार आई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये वाक्य लिखे हो। अब इसमें से हम संज्ञा ढूंढेंगे कि संज्ञा कहाँ है, नहीं पता हमें, तो हम संज्ञा ढूंढेंगे। इसमें हरि गीत गाता है, इसमें कौन सा संज्ञा है, गीत गाता है, क्या संज्ञा है, तो जो इसमें हरि शब्द है, रोहन शब्द है, लाल किला शब्द है, दिल्ली शब्द है, स्कूल शब्द है। ठीक है, उसके बाद समोसे और कार, ये जो शब्द है ये क्या है, ये हमारे संज्ञा शब्द है। ये सब जितने भी है ये हमारे संज्ञा शब्द है, जिनपे भी मैंने सर्कल किया है। ठीक है, ये हमारे संज्ञा शब्द है। ठीक है, जैसे हरि, रोहन, स्कूल, लाल किला, दिल्ली, समोसे, किसी न किसी के नाम का पता चल रहा है। और संज्ञा का अर्थ ही होता है नाम, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, किसी का नाम। ठीक है, किसी दुनिया में किसी भी चीज का जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, नाम का भी एक नाम है, क्या है, संज्ञा। ठीक है, देखिए इसमें जो मैंने हरि शब्द लिखा था, तो हरि शब्द किसका नाम था, किसी व्यक्ति का, तो आप प्राणी भी लिख सकते हैं, प्राणी तो जानवर भी हो जाएंगे और व्यक्ति भी हो जाएंगे, तो किसी व्यक्ति का नाम था। ठीक है, जो प्राणी हरि था, हरि, रोहन, ये सब किसका नाम था, किसी प्राणी का। समोसे किसका नाम था, किसी वस्तु का। ठीक है, दिल्ली किसका नाम था, किसी स्थान का। ठीक है, अगर मैं वहीं पे लिख दूं कि चीनी में मिठास होती है, एक और बात के मैंने वहां पर यहां लिख दिया। ठीक है, चीनी में मिठास होती है। ठीक है, ये चीनी शब्द भी क्या है, ये मिठास शब्द क्या है, संज्ञा है। इसमें जो मिठास शब्द है, ये चीनी तो क्या है, किसी वस्तु का बोध करा रही है, वस्तु कोई चीज है, और मिठास जो है किसी के भाव का, फीलिंग्स का बोध करा है। जब हम उसका चीनी खाते हैं हमें क्या पता चलता है, ये एहसास होता है कि चीनी क्या है, मीठा है। तो मिठास शब्द जो है वो किसी भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, तो मिठास शब्द जो है यहाँ पे हम लिख देंगे भाव। और मैंने यहाँ पे एक और वाक्य लिख दिया, बचपन में सभी खेलते हैं। ठीक है, एक वाक्य मैंने ये लिख दिया, बचपन में सभी खेलते हैं।
बचपन शब्द है, ये भी क्या है, ये संज्ञा शब्द है। बचपन शब्द जो है ये भी हमारा क्या है, संज्ञा शब्द है। तो ये कौन सा संज्ञा है, ये संज्ञा जो है इसकी अवस्था का बोध करा रहा है, दशा का बोध करा रहा है। ठीक है, इसको भी बोलेंगे अवस्था, दशा या गुण का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है, बचपन भी क्या है, भाव है। ठीक है, बचपन क्या है, ये भी एक भाव है। ठीक है, तो किसी प्राणी वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और लिखेंगे। अब मैंने यहां लिखा मेरे पास सभी पुस्तकें हैं। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब पुस्तके शब्द जो है ये भी संज्ञा शब्द है, ये भी किसी का नाम है ना, तो ये भी क्या है, संज्ञा शब्द है। तो ये जो पुस्तके शब्द है वो पुस्तक की पूरी जाति का बोध करा रहा है, पुस्तक की पूरी जाति का बोध करा रहा है। ठीक है, पुस्तक एक तो नहीं है, किसी कोई नाम तो नहीं है पुस्तक का, है ना। तो पुस्तक पूरी जाति, जितने भी किताब है उन सबका बोध करा रहा है। तो ये भी क्या है, किसी प्राणी वस्तु स्थान जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, समझ गए। मैंने प्राणी में किसका नाम लिखा था, रोहन, हरि। वस्तु समोसा, चीनी। स्थान लाल किला, दिल्ली। जाति पुस्तक, पुस्तक की पूरी जाति का बोध होता है इससे। उसके बाद भाव, बचपन और मिठास, क्या है, भाव है उससे, वो हमें दिखता नहीं है लेकिन हमें उससे का एहसास होता है। ठीक है, इन सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, कहा जाता है। आप लोग फिफ्थ क्लास में भी पढ़े होंगे। अब आते हैं संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। ठीक है, नंबर वन व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर टू जातिवाचक संज्ञा, नंबर थ्री भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, रामायण, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर। ठीक है, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा में लिखते हैं, उदाहरण वृक्ष, पर्वत, फल आदि। ठीक है, उसके बाद भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हम लिखते हैं, बचपन, बुढ़ापा। उसके बाद मिठास, हरियाली आदि। ठीक है, ये हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आप देखिए जो महात्मा गांधी शब्द है वो क्या है, महात्मा गांधी किसी की विशेषता है ना, किसी व्यक्ति की विशेषता है, महात्मा गांधी एक विशेष व्यक्ति थे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण जो है, रामायण एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ पुस्तक या मैं लिखती हूँ किताब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
वाचक संज्ञा, क्योंकि इसकी विशेषता इसमें इसका जो एक नाम है, ठीक है, पुस्तक का पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है यहाँ पे रामायण, ठीक है। किताब, किताब के किताब की पूरी जाति का बोध हो जाता है इसमें। अगर इसमें होता बाइबल होता, कुरान होता, तो वो भी क्या होता, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता। अगर मैं यहाँ पे कार कार लिखती हूँ, उसकी जगह पे मैं लिख देती हूँ फरारी, तो कार सब जो है कार किसमें आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, क्योंकि कार की पूरी जाति का बोध हो रहा है इससे, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। लेकिन जो ये फरारी है, फरारी शब्द क्या है, कार का एक प्रॉपर नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये जो है फरारी शब्द वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ पेंसिल, मैंने यहाँ लिखा पेंसिल, अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ नटराज पेंसिल, नटराज पेंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाम है पेंसिल की कंपनी का, एक पेंसिल का इसकी अपनी विशेषता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो ये पेंसिल शब्द है वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पेंसिल की पूरी जाति का बोध हो रहा है इसमें, ठीक है। अब आता है जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिसे कहा जाता है जिससे पूरी जाति का बोध हो, अब जैसे कि जैसे यहाँ पे वृक्ष है, वृक्ष क्या है, पेड़, तो पेड़ से क्या, पेड़ की पूरी जाति का बोध हो रहा है, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, पेड़ वृक्ष एक नहीं होता है, ठीक है, वृक्ष की समूह पूरे अपने ग्रुप का बोध करा रहा है वृक्ष अपने साथ में। पर्वत, पर्वत एक नहीं है, पर्वत की पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का पता चल रहा है, उसकी पूरी जाति का पता चल रहा है, तो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अगर पर्वत की जगह पे होता है हिमालय पर्वत, तो वो जो हिमालय पर्वत है वो जाता व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है पर्वत, तो पर्वत एक नहीं है, तो ये अपने पूरे जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। फल, फल एक नहीं है, फल भी क्या है, फल अपने पूरे ग्रुप का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा वे संज्ञा सब जो व्यक्ति की दशा बताता है, उसका गुण बताता है, उसकी अवस्था बताता है, उसका धर्म बताता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कुछ शब्द है यहाँ पे, दानवता, दानवता क्या है, उसका गुण बता रहा है कि वो दानव है, ठीक है। उसके बाद इंसानियत, इंसानियत भी क्या है, एक गुण है, ठीक है, इंसानियत भी क्या है, गुण है। उसके बाद हिंदुत्व, हिंदुत्व क्या है, इसका एक धर्म है, ठीक है, हिंदुत्व धर्म बता रहा है, ठीक है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है, इसकी अवस्था बता रहा है, बूढ़े व्यक्ति की अवस्था, बुढ़ापा बता रहा है, ठीक है। मिठास, मिठास क्या है, उसकी विशेषता, मीठे फल की क्या है, मिठास बहुत अच्छी है, तो उस मिठास सब जो है वो विशेषता बता रहा है। तो भाववाचक संज्ञा कहा जाता है जब वो संज्ञा सब जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता, धर्म और उसका गुण, अवस्था बताए, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। आज आप लोग इतना रीडिंग करेंगे अपनी बुक से, उसे समझेंगे, वीडियो देखेंगे, और वीडियो देख के भी समझेंगे, जो नहीं समझ आता है मुझे कमेंट करके बोलेंगे, और आगे का जो है वो पार्ट टू वीडियो में जाएगा। ओके, थैंक यू।